सोशल मीडिया पर आप सभी के पास खास बात, तृतीया के दिन तीसरा दिन और तीन महीनों की बात, अश्विन कह दो, कार कह दो या असौज कह दो, आज उसकी तीज के दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ बात। आज बहुत मन कर गया अचानक ये वीडियो सामने आके जो आपको दिखा रहे हैं, आज से 2.5 साल पहले का लगभग 8 फरवरी 2022 जब चांदखेड़ी के कोटा के बिजोलिया के पंचखड़ा करवा के हजार नहीं लाख उसकी गिनती थी, जब थर दर थर यहाँ ये कुंडलपुर के दृश्य दिखा रहे हैं आपको, जब ये दर्शन करते हुए यहाँ पर स्वागत में चल 500 किलोमीटर की दूरी नापते नापते पैर चलने को साथ नहीं दे रहे थे, पैर छिल गए थे, नहीं रखा जा रहा था, लेकिन तब भी अपने गुरु के पास जाना है, ऐसे मुनि पुंग सौदागर जी बढ़ते आ रहे थे। जब सामने आए थे तो कहते हैं मुंह में आवाज नहीं निकल पाई थी, 300 संत उनके स्वागत की अगवानी कर रहे थे, यह दृश्य था जब लाखों उनके साथ चल रहे थे। आज ये मन किया इसलिए दृश्य आपको दिखा दिया, मतलब से दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाते हैं। गुरुवर के चरणों में आए, गला रुक गया, आवाज नहीं निकली। आचार्य संकेत कर कहा कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन बोलने की बजाय मुंह की बजाय आंखों ने बोलना शुरू कर दिया और बरबस उनके आंखों से आंसू निकल के उनके चरणों का जैसे पगारने लगे। पाद प्रक्षालन आज मुख से, आज हाथों के स्पर्श से नहीं, आज उस जल से नहीं हो रहा था, अश्रु जल से आज वह पाद वशन लाखों लोगों ने वह दृश्य देखा था, गजब का था। और तब आचार्य ऋषि ने कहा था आज रात को हार सही कर लो अपने गले को, कल से मेरा ये शेर गरजेगा और उसको मैं भी सुनूंगा। शब्द आज याद आ रहे थे, कोई कारण था इसका जो आज आपको बता रहे थे। पर इससे पहले एक बात याद आ रही है कि उन्हीं आचार्य ऋषि के पास जय कुमार जी, हाँ ब्रह्मचारी थे, जी हाँ ब्रह्मचारी थे, मैं पहुंच गए थे आपकी तरह, जैसे हम लोग जाते हैं, हम भी गए थे आचार्य ऋषि के पास आशीर्वाद लेने। वह कहे महाराज जी आपके ना दर्शन आशीर्वाद लेके मैं पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूं, ये आशीर्वाद जय कुमार लेने गए थे। दिन था शायद वह 8 फरवरी 1980 का, शायद वही दिन था जिस दिन वह पहुंचे उनके पास। आचार्य ऋषि ने मुस्कुराकर आशीर्वाद तो दिया पर मुंह से यह आशीर्वाद दिए कि तुम जाओ। उन्होंने कहा अरे तुम तीर्थों की यात्रा जाते हो, अगर मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो। वह शब्द आज भी दिमाग घूमते हैं, जो शब्द उनके भी घूमते होंगे, मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो। चौंक गए ब्रह्मचारी भैया जी, अरे मुझसे यह कहा जा रहा है, चरणों में पड़ गए और विश्वास करते हो। उन्होंने उसको वह तीर्थ बना दिया कि आज उसके चरणों पर दुनिया लौटती है और आज ही उनका है आज 42वां दीक्षा दिवस, जी हाँ मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी का, जिनको आशीर्वाद लेने गुरुवर के पास गए थे कि मैं तीर्थों की यात्रा के लिए आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, और उन गुरुवर ने यह कह दिया था कि मैं तुमसे तीर्थ बना देता हूं, और वह सचमुच आज तीर्थ बनकर सबके सामने खड़े हैं। आज 42वां दीक्षा दिवस पूरा देश मनाएगा। हाँ वह नैनागिरी का दिन था 8 जनवरी 1980 और फिर आ गया 25 सितंबर 1983 आश्विन कृष्ण की तृतीया, यानी आज ही का दिन था। वर्ष 1983 था, ईसरी गिरिडीह की बात कर रहे हैं, शिखर जी के पास की बात कर रहे हैं, और तब गुरुवर के हाथों दीक्षा मिली, साथ में मुनिश्री समता सागर के साथ दो दीक्षाएं हुई थी उसी 42 साल की आज दीक्षा के बाद। तब सुधा सागर जी मात्र 25 साल के, तो नामकरण हुआ था सुधा सागर। जब पहला हार हुआ था ना तो सिर्फ जो लोग बताते हैं कि सिर्फ लौकी ली थी, बाकी सब छोड़ दिया था और नमक के बगैर रोटी ली थी। वह दिन था और उस दिन से कब से आज तक कभी चटाई का इस्तेमाल सर्दी होने के बावजूद नहीं किया था। ऐसे सुधा सागर जी को नत नत नमस्कार करते हैं और आज कहते हैं गजब हो जाता है जब कहते हैं जिस गृहस्थ अवस्था के अंदर जिस तीर्थ में दर्शन करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते सागर के अंदर, आज वह तीर्थ उनके पास आके खड़ा हो जाता है। कभी सुना होगा आपने कि तीर्थ चलते भी हैं? जी हाँ चलते तीर्थ तो ये खुद ही हैं, लेकिन आज तीर्थ भी उनके पास इसे चतुर्मा से आ गया। जी हाँ लगभग 10-12 दिन पहले की तो बात है, ये देख रहे हैं आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ बरिया घाट, 7वीं पीढ़ी मोदी परिवार की, जो इस तीर्थ की मालिका नाहक रखती थी, लेकिन इस चतुर्मास में उन्होंने वही तीर्थ अतिशय तीर्थ जो गुरुवर अपनी गृहस्थ अवस्था में पूजा पाठ ध्यान करते थे उसको ला के उनके चरणों के पास रख दिया कि तीर्थ गुरुवर यह आपका हो गया। कभी सुना है आपने ऐसा? आज तक नहीं सुना होगा कि गृहस्थ अवस्था वाला तीर्थ आज उसी गुरु के पास आ जाता है, ऐसा कभी दुनिया ने नहीं देखा। जो इतिहास सुधा सागर जी महाराज हर जगह दिन नया इतिहास बनता है।
जिसे जमीन पे बना है, कहते हुए 100 करोड़ रुपए की जमीन आज की तारीख में कौन छोड़ता है। पर देखते हैं गुरुवर के सामने सब जैसे जैसे कहते ना, किसी के पैरों में सांप लौटता है और किसी के लक्ष्मी भी आगे अपने आप बिखर जाती है, चंदन चंदन बरसाती है। यह दृश्य है, आज है मुनि पूंजरा जी का 42वां दीक्षा दिवस और उसी से शुरुआत की आज चरण मालिश ने इस एपिसोड की। जी हां, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे हमारे देश में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी ना कभी एक बार तो कम से कम ये सीरियल देखा होगा। देख रहे हैं आप, ये उसी के कलाकार पहुंच गए कल किशनगढ़। नवीना गाडेकर हम नहीं जानते वैसे कौन है ये, और कनिका माहेश्वरी फिल्मी सितारों की बॉलीवुड के अंदर है। यह दर्शन करने पहुंचे आचार्य श्री सुनील सागर जी के, और जब उन्हें जैन धर्म के बारे में जाना तो गदगद हो गए। जो भी जैन बंधुओं के अलावा अजैन भाई आते हैं और कहे बॉलीवुड से आए हैं चाहे हॉलीवुड से आए, उनके बारे में जब जैन धर्म को जानते हैं तो सचमुच दांतों तले उंगली दबाए बगैर रहते नहीं है। पर इन दोनों साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आचार्य ने पुस्तक दी जैन धर्म को जानिए, उसके कुछ पढ़ के उनका चरित्र देख के गदगद हो गए थे। कुछ दृश्य दिखाते हैं आपको इस गोदभराई बिनौली यात्रा के। लीक से हटकर थे, अलग रूप से थे, गदगद कैसे थे, अरे सचमुच आनंद दिखा रहे थे। कोई शोभा यात्रा हो रही थी, अरे क्या कार्यक्रम हो रहा था। यह है 13 दीक्षार्थियों की, पता है ना, दिल्ली के किशनगर में चतुर्मास कर रहे हैं आचार्य श्री विमर्श सागर जी, उनके द्वारा 13 दीक्षा दी जानी है दिल्ली के अंदर ही। तारीख है ना 15 नवंबर घोषित है। तो कहते ना विमर्श नगरी है जहां लखना दो, वहीं के दृश्य देख रहे हैं आप जब 13 दीक्षक इस तरह से गजब से बिनौली यात्रा निकाली गई। थोड़े चित्र पुराने थे लेकिन आज मन किया था आपको दिखा दे, क्योंकि जब कोई चीज ऐसी अच्छी होती है मन को आंखों की करती है तो आपसे बांट ली जाती है। ये दृश्य है लखनऊ दौन से, 13 दीक्षार्थियों के जिनकी दीक्षा होनी है 15 नवंबर को, और पता है कल कहां जा रहे हैं, अब आपको वो दिखाते हैं पोस्टर। अब उस बिनौली यात्रा की आचार्य श्री से आशीर्वाद लेके ना सभी दीक्षार्थी जगह जगह संतों के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और समाज से गुहार के हम जीवन के अंदर एक नए रास्ते पर पढ़ रहे हैं, आशीर्वाद मिलता है। यह कल कभी नगर गाजियाबाद में होगा, इसी तरह से बिनौली अर्घोदय कार्यक्रम सुबह कल 8 बजे, तारीख नोट कर लीजिएगा 21 सितंबर सुबह 8 बजे कभी नगर दिगंबर जैन मंदिर गाजियाबाद में यह कार्यक्रम आगे जारी रहेगा आशु दीदी के साथ। और अब दिखा रहे हैं आपको सिंघोनिया तीर्थ के दृश्य, दिखा रहे हैं आपको जहां पर भी कल एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है। जी हाँ, सिंह मुरैना का जिले का मुख्यालय ना, वहां से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है सिंघोनिया तीर्थ। यहाँ पर 11वीं सदी की ना खड़गासन प्रतिमाएं हैं, शांतिनाथ भगवान की, कुंतुनाथ भगवान की, अर्यनाथ भगवान की 11वीं सदी की, और मुख्य मंदिर 6 और मंदिर हैं। यहाँ पर कमल मंदिर का निर्माण हो रहा था और ये अब विधि पूजन के दृश्य देख रहे हैं आप। यहाँ पर कल एक भव्य कार्यक्रम है आचार्य श्री वसुनंदी जी के सानिध्य में 31 फुट ऊंची उतंग शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का यहाँ विराजमान की जाएगी, और अगले दिन फिर महामस्तक अभिषेक और वार्षिक मेले का कार्यक्रम है। 5 फुट का चबूतरा बनाया है, उसके ऊपर 4 फुट का कमल है और उस पर 31 फुट ऊंची यानी लगभग जमीन से 40 फुट ऊंची यह प्रतिमा यहाँ पर शांत भगवान की विराजमान होगी। कल ही है, परसों फिर यहाँ पर वार्षिक मेला और महामस्तक कार्यक्रम भी होगा सिंघोनिया तीर्थ पर मुरैना से 35 किलोमीटर दूर। एक रिपोर्ट दिखाते हैं अभी बच्चों के साथ जैन इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। अनंत राज्य है ना मदुरई से जो है, जो तमिलनाडु में जैन तीर्थों को कुरुत कुरुत कर जहां जहां निकलते हैं, वह रिटायर्ड एएसआई ऑफिसर है शांतालिंगम। उनके साथ स्कूलों के बच्चों को आप लोग भी करिए, जब भी अपने किसी पुराने तीर्थ पर हैं कुछ लोगों को साथ लेके जाइए, अपनी उस जानकारी को जरूर फैलाइए। यह रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं आपको दिखाते हैं, सामनार हिल में जब लेके गए थे तमिल के लोगों बच्चों को, वहां सिखाया बताया कि जैन इतिहास क्या होता है। इस सामनार पर आपको एक रिपोर्ट चैनल मार्च में 1 मिनट की दिखा देते हैं। ये सामनार मलाई हिल है जो कि नागमलाई पुडुकोट्टई से 15 किलोमीटर सिटी से 15 किलोमीटर दूर पड़ती है। पुरानी ऐतिहासिक जगह है संस्कृति की, जैन समाज की। चेट्टीपुदावु और कली कोडलाकुड़ी ये दो जगह हैं जहां पर वह बच्चों को शिक्षा करने के लिए अनंतराज जी और साथ में शांतिम लिंगम जी गए, जिससे जैन समाज में तमिल जैनों की स्थिति क्या है, इतिहास क्या है यह बताने के लिए। यहां पर यह केवल आवाज तो टूरिस्ट भी लोग आने लगे हैं, यहां पर लगभग ये 50-100 बच्चे यहां पर इस तरीके से पहचान के लिए गए, और यही है जागरूकता जैन समाज की, जैन संस्कृति की, जैन सभ्यता की जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है। और जाते जाते आपको छत्तीसगढ़ के उल्टा पानी, नाम किया है आपने,
जगह का नाम है उल्टा पानी। नाम ही यहाँ की बता देता है। ये दृश्य देख रहे हैं आप, यहां पर नीचे से ऊपर पानी, विश्वास नहीं होगा आपको, पर जब दिखा रहे हैं विश्वास करना होगा। यह पानी उल्टा चलता है नीचे से। कभी आपने देखा है न्यूटन लॉ है, सेब नीचे गिरता है, पानी नीचे गिरता है, हर चीज भारी नीचे गिरती है, पर यहां न्यूटन लॉ फेल हो जाता है। उल्टा पानी छत्तीसगढ़ की जगह है, यहां पर पानी चलता है तो नीचे से ऊपर पहाड़ी की ओर जाता है। देख रहे हैं कागज को कैसे जा रही है आगे, किस तरह पानी ये चलता है। विश्वास किसी को नहीं होता, पर यहां पे लॉ ऑफ ग्रेविटी किस तरह से है, अपने ग्रेविटी का जो सिद्धांत है यहां पर अलग रूप में होता है, और जो यहां पर दिखा देता है कि पानी भी कभी कभी उल्टा चलता है, नीचे से ऊपर की ओर बहता है। यह महिला यही बता रही है आपको, गजब से समझा रही है। विश्वास नहीं हो रहा, तभी तो जगह नाम कर दिया, रखा गया उल्टा पानी। इस प्रकृति की दी हुई चीजें बहुत गजब की हैं। एक एक चीज इंसान जो बनाया है वह भी एक नमूना है, और इस तरह से प्रकृति का एक नमूना यहां पर है। अरे कहीं पर गर्म बरसती झरने निकलते हैं, कहीं बर्फ से ठंडे निकलते हैं। अरे ऐसी ऐसी जागरूकता इस प्रकृति ने, कहते हैं इसके जो अजूबे बनाए हैं वह अजूबे देखकर कहता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति जो खेल खेलती है वह हम नहीं खेल सकते। उल्टा पानी देख रहे हैं, पानी नीचे से ऊपर जाता है। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। सादर जय जिनेंद्र, सुबह शाम 8 बजे आपके पास।